भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे गोगन का ही मास्क लगाना, भैया मेरे मेरा गिफ्ट। एक सेल्फी हो जाए। सबकी सुरक्षा, गो ग्रीन का वादा। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस को लेकर एक बार फिर से सूबे में लॉकडाउन की सिलसिला जारी है, जहां बिना मास्क लगाए घूमने वाले लोगों से फाइन भी वसूला जा रहा है। लॉकडाउन के अनुपालन में ग्राम रक्षा दल सह पुलिस मित्र लगातार सक्रिय रूप से चेक पोस्ट पर कार्य करते नजर आ रहे हैं, जिसकी सभी जगह प्रशंसा भी की जा रही है। मधुवापुर प्रखंड के बसपरिया चौक पर सहारघाट थाना पुलिस के साथ कंधे से कंधे मिलाकर ग्राम रक्षा दल के सदस्य लॉकडाउन के अनुपालन में सहयोग दे रहे हैं, लेकिन इस बीच इन सदस्यों को ना ही प्रशासन के द्वारा और ना ही सरकार के द्वारा कोई मदद प्रदान की जा रही है, जबकि गांव व बाजार की सुरक्षा में दिन रात जटकर ये अपना योगदान दे रहे हैं। ग्राम रक्षा दल के सदस्य सरकार व प्रशासन से पारिश्रमिक देने की मांग कर रही है। यहाँ पर सबसे पहले बात है कि इससे पहले भी हुआ था लॉकडाउन, उसमें हम सब आदमी थाना अध्यक्ष के दिशानुसार ड्यूटी किए थे। इसके बाद कल से जो लॉकडाउन हुआ है 16 तारीख से, तो उसमें हम लोग थाना अध्यक्ष साहब हम लोग को आदेश दिया कि आप लोग ड्यूटी कीजिए चेक पोस्ट पर, और जिस तरह के माहौल है कि यहाँ पर गाड़ी जितना भी आता है बाहर गाड़ी का, उसको रोकथाम करना है कि ज़्यादा भीड़ में नहीं आए गाड़ी, टेम्पू सब में आता है भर भर के गाड़ी, वो सब पर कंट्रोल करना है। जो मास्क पहन के नहीं निकला है व्यक्ति, उनको थोड़ा सचेत करना है कि आप लोग जैसे बाहर से आते हैं कहाँ से आ जाते हैं, दूरी बना के रहिए, मास्क पहन के चलिए। किस तरह से माहौल क्या लग रहा है कि जिस तरह से लॉकडाउन लगा है, क्या माहौल क्या लग रहा है कि लोग मान रहे हैं, लोग घर से नहीं निकल रहे हैं, क्या लग रहा है? लॉकडाउन मार्केट जब बंद है तो मान ही रहा है लोग, मगर शाम के समय जो सब्जी मार्केट सुन लगता है उस समय थोड़ा मार्केट में भीड़ आ जाता है, तो पर भी हम लोग कंट्रोल करना चाहते हैं। धीरे जो आदमी से कहते वो आदमी समझ जाता है, और वो आदमी वापसी चला जाता है। जिस तरह से आप ग्राम रक्षा दल के लोग ड्यूटी कर रहे हैं, क्या इसका पारिश्रमिक मिल रहा है प्रशासन के द्वारा? नहीं, कुछ नहीं मिल रहा है हम लोगों को अभी तक। कहे कि हम लोग 2015 ही से बिहार ग्राम रक्षा दल में जो थाना अध्यक्ष और मुखिया जी के तरफ से इसमें इंस्टॉल किया गया था, हम लोग रात्रि प्रहरी का भी काम कर रहे हैं 2015 ही से। उसमें भी हम लोग कितना बेरो कहे कि हम लोग को कुछ मिलना चाहिए सरकार की तरफ से, अभी तक सरकार हम लोग से काम ही ले रहा, मगर कुछ मजदूरी होता है वो नहीं मिल रहा है। जैसे कि हम लोग जैसे आपदा हो गया, कोरोना में हो गया, शराबबंदी, जुआबंदी, मानव श्रृंखला, बाल विवाह, सब में हम लोगों ने इसमें अहम भूमिका निभाई है, तब पर भी सरकार हमारी बातों को इग्नोर करके चल रहा है। क्या आपने अपने माओं को लेकर के रखा है पदाधिकारी? हाँ हाँ, जिला में रखे हैं, पटना भी रखे हैं, और BDO साहब को दिए हैं, सर्व शिक्षा अभियान को मधुबनी में भी दिया गया है।